गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास सेकेंड की इंग्लिश सेकेंड का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, सेंटेंस करेक्शन। इस चैप्टर में हम सेंटेंस को सही करना सीखेंगे, उसके वर्ब को करेक्ट करके, आर्टिकल्स पुट करके और सेंटेंस की टेंस को चेंज करके। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। फर्स्ट है सेंटेंस की वर्ब को चेंज करके। सेंटेंस देखिए आप, ही गो टू द मार्केट। इसमें जो गो वर्ब है वो गलत है, क्योंकि हमारा ही जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। तो गो का सिंगुलर फॉर्म होगा गोज, तो सेंटेंस विल बी ही गोज टू द मार्केट। सेंटेंस में अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। मोस्टली जो वर्ब है उसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के आगे हम एस या फिर ई एस लगा देते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब के एंड में एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही हम पुट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, The dogs walk down the street। यहाँ पर dogs plural है तो हमारा जो verb है walk उसके पीछे हमने s नहीं put किया है। Sentence the dogs walk down the street सही है। इसके अलावा I और you के साथ भी हम जो verb है उसका plural form ही use करते हैं। एक और example से इसे समझने की कोशिश करते हैं। The example is the dog chases the cat। यहाँ पर dog हमारा singular noun है, इसीलिए हमारा verb chase का singular form chases हमने यहाँ put किया है। दूसरा sentence देखिए, the dogs chase the cat। यहाँ पर हमारा noun dogs plural है, इसीलिए हमने chase का plural form लगाया है यहाँ पर। तो sentence the dogs chase the cat यहाँ पर सही है। कुछ और examples देखिए, he talks to the girl। यहाँ पर ही singular है तो talk का singular form talks यहाँ पर put किया है। we talk to the girl, we हमारा plural है इसीलिए यहाँ पर talk जो है plural verb यहाँ पर इसके साथ put हुआ है। I talk to the girl, हमने अभी पढ़ा था I और you के साथ verb का हमेशा plural form ही लगता है, इसीलिए I talk to the girl यहाँ पर sentence पे put किया है हमने। सेंटेंस करेक्शन में दूसरा टॉपिक है कभी कभी आर्टिकल्स पुट करके, और कभी आर्टिकल को हटाकर हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल वो वर्ड होता है जो नाउन के हमेशा पहले लगता है, जैसे अ बॉय, एन एप्पल, द सन, द अर्थ। यहाँ पर ए, एंड और द हमारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ऐसे आर्टिकल जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो वो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। जब हमें पता होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर इनडेफिनेट आर्टिकल में क्लियर नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और वो जो चीज़ है वो पर्टिकुलर कौन सी है, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द में हमें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल, द बॉय प्लेज बॉल, मतलब एक लड़का है जो डेफिनेट है यही लड़का बॉल से खेलता है। ए एक ऐसा इनडेफिनेट आर्टिकल है जो कि हमें किसी निश्चित पर्सन, प्लेस या एनिमल के बारे में नहीं बताता है, और ए हमेशा कॉन्सोनेंट्स के आगे लगाया जाता है। वहीं पर जो एन है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, वो हमेशा वॉवल्स के आगे ही लगता है। जैसे आई सी अ बी, यहाँ पर बी जो है एक कॉन्सोनेंट है इसीलिए इसके आगे हमने ए लगाया है। एंड आई सॉ एन एग, एग
स्टार्टिंग विद ई, और ई हमारा यहाँ पर वॉवल है, इसीलिए एग के आगे हमने एन का प्रयोग किया है। ए जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड का जो वर्ड होगा उसके आगे ही हम लगाएंगे, जैसे अ बुक, अ टेबल, अ क्लॉक। एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो हमेशा ऐसे वर्ड के आगे लगेगा जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। वहीं पर द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के आगे ही यूज़ होता है, जैसे द मून, द सन, द नॉर्थ, द साउथ एक्सेट्रा। ए और एन का यूज़ हम तब करते हैं जबकि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इंडिकेट करते हैं जो कि स्पेसिफिक ना हो या अपने तरह का एक अनोखा ना हो, जैसे आई नीड अ फ़ोन। बहुत सारे फ़ोन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसीलिए फ़ोन के आगे हमने ए लगाया है। वहीं पर जो द है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही जब हम बात करते हैं तब यूज़ होता है, जैसे कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, मतलब जो टेबल पे जो बुक्स रखी हैं वो उन्हें ही देने को कह रहा है। फिर ए और एन का यूज़ तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। वहीं अगर उसी मूवी के बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं तब हम द का यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो ए और एन का यूज़ होता है, ऐसे ही अगर कंट्री के नेम में ही प्लूरल है तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। अभी हमने देखा था कि ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के आगे करते हैं और एन का यूज़ वॉवल के आगे करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट और वॉवल अगर लिखे हुए हैं तभी हम ए और एन का यूज़ करें। अगर हमारे किसी वर्ड में वॉवल का साउंड भी आ रहा है तो हम उसके आगे एन का ही यूज़ करते हैं, जैसे आवर के आगे भले ही उसकी स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है बट उसका जो प्रोनंसिएशन है उसमें ओ पहले आता है, इसीलिए ओ वॉवल है, इसीलिए हम आर के आगे एन का यूज़ करते हैं, तो एन आवर। उसी तरह द बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनके आगे वो यूज़ किया जाता है, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे हमेशा द का यूज़ होगा, कुछ कंट्रीज़ जो कि प्लूरल फॉर्म में होती हैं उनके आगे द का यूज़ होता है, ओशियंस, सीज, रिवर्स, माउंटेन पीक्स, इन सब के आगे द का ही यूज़ होता है, या फिर जो अपने आप में सिर्फ एक अकेला यूनिक होता है उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द मून, द अर्थ, द सन, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द वर्ल्ड एक्सेट्रा। अभी हमने ये जाना कि किन वर्ड्स के आगे हमें ए, एन और द का यूज़ करना है, अब हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जब हम जनरली किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क इज़ गुड फॉर यू, मिल्क एक जनरल चीज़ है जिसके आगे हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। किसी गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम के आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ कंट्रीज़ के नेम्स के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे जापान, फ्रांस, इटली, और किसी लैंग्वेज के नेम के आगे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, सिटीज़ के नाम के आगे और मीन्स के नाम के आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये एक वर्कशीट है जिसमें हमें ए और एन का सही यूज़ करना है। फर्स्ट से आई वेंट टू पार्क, पार्क जो है वो कॉन्सोनेंट है इसीलिए इसके आगे ए का यूज़ होगा, तो सही होगा आई वेंट टू अ पार्क। देयर इज़ डैश ट्री बाय माय हाउस, देयर इज़ अ ट्री बाय माय हाउस। आई एट डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट, आई एट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज एग इज़ स्टार्टिंग विद अ वॉवल। हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है सही आर्टिकल्स में पुट करके। फर्स्ट इज़ शी एट डैश एप्पल, यहाँ पर एप्पल हमें पता है वॉवल से शुरू हो रहा है इसीलिए इसके आगे एन का यूज़ होगा।
Second, I saw dash elephant. Again, elephant is starting with the vowel, so an will come here. Third, we will meet dash president today. तो president है एक specific person है, इसीलिए इसके आगे हम the का use करेंगे. I will meet the president today. The apples cost 90 cents dash piece. इसका मतलब है एक पीस का 90 cents है, तो आएगा the apples cost 90 cents a piece. They had dash ice cream soda. Ice cream जो है I वॉवल है, इसलिए इसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे. दे हैड एन आइसक्रीम सोडा. आई हैव डैश टेस्ट टुडे. आई हैव अ टेस्ट टुडे. थर्ड है सेंटेंस करेक्शन बाय करेक्टिंग द टेंस ऑफ द वर्ब. अगर रॉन्ग टेंस होगा वर्ब में सेंटेंस में तो वो पूरे सेंटेंस को ही गलत बना देता है. जैसे ही विल कम यस्टरडे. यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और विल जो है वो हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा. इसको करेक्ट करने के लिए या तो हम ही केम यस्टरडे करेंगे या फिर ही विल कम टुमारो. एक और सेंटेंस देखिए, दे वेंट टू स्कूल लेट टुमारो. इसको करेक्ट करेंगे तो सही होगा दे विल गो लेट टू स्कूल टुमारो या फिर दे वेंट टू स्कूल लेट यस्टरडे. क्योंकि अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है तो हमारा जो वर्ब है वो भी पास्ट टेंस का ही यूज़ होना चाहिए, इसीलिए यस्टरडे के साथ हमारा वेंट का यूज़ हुआ है. अगर हम टुमारो का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, इसीलिए हम उसके साथ विल गो का यूज़ करेंगे. Let's understand this with the help of more examples. The first is Earl didn't went to the doctor yesterday. इसमें यहाँ पर did not का use हो गया है, इसीलिए verb जो है वो हमेशा first form का ही लगेगा. तो correct sentence होगा Earl did not go to the doctor yesterday. Second, did you took a shower? अब did आ गया है तो यहाँ पर हमारा verb का first form ही लगेगा. Did you take a shower? थर्ड, Ingrid don't walk to school today because she was tired. इसमें होगा Ingrid don't walk to school today because she is tired. My father didn't give me any money today. अब यहाँ पर today है मतलब present tense की बात हो रही है, तो यहाँ पर didn't के साथ first form का ही use होगा verb का. तो my father didn't give me a money today. Seventh, Kirk and Laurie are not in school yesterday. अब yesterday की बात हो रही है तो हम इसमें past verb का use करेंगे, तो होगा Kirk and Laurie were not in school yesterday. Last, Mandy is not sick last week. ये भी बीते हुए कल की बात हो रही है तो हमारा जो verb होगा उसकी हम second form लगाएंगे, तो Mandy was not sick last week. That's all for today. Thank you, students. Keep studying and keep smiling.